सेट हो गया है? अच्छे, चलो पीछे। आदर्श आवाज नहीं। पिछले क्लास में हम लोगों ने तीन तरह के बंध के बारे में जाना था, ठीक है? कितने तरह के बंध होते हैं? पहला था हमारा आयनित बंध, दूसरा सहसंयोग बंध और तीसरा उप सहसंयोजक बंध। कोई असहसंयोजक बंध बोला है क्या? नहीं, एक लड़की की भी आवाज आई है, हम नहीं बोलेंगे नाला, ठीक? उप सहसंयोजक बंध, ठीक है? तो सहसंयोजक बंध में हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे H2, O2, Cl2 और N2, ठीक है, इस तरह के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना देखी थी, ठीक? और लास्ट में हमने बताया था कि अगर हेट्रोएटॉमिक मतलब ऐसे भी अणु हो सकते हैं, ऐसे भी अणु या परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बन सकता है जो अलग अलग हो। जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम H2O का इसमें सहसंयोजक बंध दिखाना हो, आदर्श गुप्ता, अगर इसमें सहसंयोजक बंध दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, ठीक? जैसे Cl2 का और O2 का और N2 का परसों हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाए थे। यहां पर देखिए, ऑक्सीजन को रखेंगे बीच में। हमेशा एक चीज याद रखना कि जिस परमाणु की संख्या कम होगी वो सेंट्रल एटम होता है, मतलब उसको कहां रखते हैं? सेंटर में रखते हैं, बीच में रखते हैं। ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोच समझ के जवाब दो। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में, सही जवाब दिया किसी ने, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सर सुन के बता दिए, बॉयज तुम लोग तो सुने भी नहीं होगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है? 5। कितना? 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो यहां पर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 हो गए, ठीक। अब कहोगे सर जी कहां है इन दोनों को अकेले अकेले बनाए हैं? तो एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना जो होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को कहीं पर भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हर जो परमाणु है उसका अष्टक पूरा होना चाहिए, ठीक। हर परमाणु का क्या होना चाहिए? अष्टक पूरा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? बाबू यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है जो भी कर रहे हो? यहां पर हाइड्रोजन बना देते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का अष्टक नहीं, इसका डुप्लेट होता है, मतलब एक ही कोष होता है तो उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। अब ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कंप्लीटली नहीं देगा, ठीक है, क्या करेगा? इसकी साझेदारी कर देगा, और हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ कर देगा। अब हम ऑक्सीजन के अंतिम कोष में देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, 2, 4, 6, 8। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस हाइड्रोजन के पास ये 2, इस हाइड्रोजन के पास ये 2। हाइड्रोजन भी स्थायी हो गया और ऑक्सीजन भी स्थायित्व को प्राप्त कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितनी डंडी? 1 डंडी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं, बताया था कि नहीं? अरे कदम भूल जाते हो एक दिन में। ये हो गया हमारा H2O की संरचना। कोई समस्या किसी को? ऐसे ही हम NH3 का भी बना सकते हैं, ठीक है, NH3 का बना के दिखाओ। अरे बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का भी 8 और इसका भी 8, कितना होता है? और जोर से बोलो, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 5। चलो बहुत अच्छे, 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए जाए। 3 हाइड्रोजन है तो 3 तो इसके साथ संयोग करेंगे, हाइड्रोजन के साथ 2 अलग कर दो। हाँ बना रहे भाई, ऊपर भी बना रहे, बुलाए नहीं, ठीक है, ठीक। अब इसकी संरचना बनाएंगे, जब ध्यान से देखना, H, H और ये H और ये 2 खाली, यहां ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खाली, ठीक। यहां पर इन जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हुई थी। अब यहां पर एक कंसेप्ट और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है,
हम लोगों ने ध्यान से यहां पर देखना होगा, पहले से ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में, ध्यान से मेरी बात सुनना, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे यार जोर से बोला करो, सुनाई नहीं दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है कि गाजा फूक के बैठे हो? तीसरा वाला ऑप्शन हाँ बोले हो कि पांच बोले हो? हाँ, हमको लगा हाँ बोल रहे। ठीक, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में पांच इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अगर मैं ये कहूं कि कितने पेयर ऐसे हैं, पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाए हैं, तो हम लोग को यहां पर तीन पेयर दिख रहे हैं जो बॉन्ड बनाए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, खाली कितने पेयर है नाइट्रोजन के पास? पेयर कितने हैं? एक। अरे जोड़ा तो एक ही है ना, संख्या इलेक्ट्रॉनों की कितनी है? इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? अरे जोर से बोलो। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, खाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दो, कितने जोड़े हैं? एक। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, लोन, लोन मतलब क्या होता है? अकेले होता है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर, एलपी, सिंपल बोल दो एलपी, लोन पेयर। तो वो जो एनएच थ्री का अणु है अविनाश सिंह, जो एनएच थ्री का अणु है, कितने एलपी है, कितने लोन पेयर है? सोच समझ के जवाब दो, बड़ा टाइम लगाते हो सोचने समझने में, देख के बता देना है कितने पेयर हैं। हम जान रहे एक आध जरूर ऐसे रहेंगे जो दो बोलेंगे, कितने हैं है? सवाल सुने हो नहीं सुने हो तब जवाब क्यों मुंह फाड़ के दे देते हो मगरमच्छ की तरह? जब सवाल सुनबे नहीं किए हो तो कहीं जवाब दे देते हो मूर्खरा करने के लिए सुबह सुबह। मैं पूछ रहा हूं कितने एलपी हैं, एलपी मतलब लोन पेयर, लिख दे रहा हूं यहां पर, एलपी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। ठीक है, वहां पर कौन, कितने पेयर ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं? कितने है? कितने एलपी हो गए, कितने बीपी हो गए, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, कितने बीपी हो गए? समझ में आ रही बात कि नहीं? यानी कि अमोनिया में कितना हो गया? एक एलपी, तीन बीपी। समझ में आ रही बात कि नहीं? जल के एक अणु में कितने लोन पेयर हैं? जल का एक अणु यहां लिखे हैं बाबू, देख लो ध्यान से, जल माने H2O, जल का जो आणविक सूत्र है वो होता है H2O। कक्षा सात में चले जाना, बच्चों से पूछ लेना, नहीं पता होगा तो लाश शर्म तन को बची होगी। तो जल का अणु सूत्र कितना है? दांत दिखा रहा बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, हाँ हाँ, अरे जो आगे विवेक ओबरॉय वाले हेयर स्टाइल मारे तुम्हारे पीछे, इसके पीछे तुम ही ना हो बेटा, खड़े जाओ। जल का एक अणु है, कितने बॉन्ड पेयर है इसमें, कितने लोन पेयर हैं? दो। बहुत से, बैठ जाओ। अब जरा एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ हमको PCl3 का, और कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं इनके, बताओ। PCl3 फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, क्लोरीन का 17 और फास्फोरस का 15। बीस मिनट तक कॉपी खोलो, फिर एडजस्ट करो, कोहनी मारो, यही करो, उसके बाद फिर जब कॉपी खुले तो पहले ये सब छापो। फिर मुंह देखो एक दूसरे का, फिर मेरा मुंह देखो, यही यही तो दिन चल रहा है तुम लोगों के दिन भर के। आदिदेव बनाओ PCl3 का, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे? कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे? जीरो होगा और तीन होगा। हाँ बहुत अच्छा, लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना, कहाँ हो जाए धीरे हो गए, दूसरी बार में कंफ्यूज आप, तो लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर भी तो हो सकता है,
दाढ़ी मोछा है, लड़की भी तो हो सकती है, दिमाग लगाने लगते हो। अरे जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड पेयर होगा ना, कितना बॉन्ड पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, कितना है, कितना है, कोनो जी है, कोनो एक बोला, अमरपाल गुप्ता, पीसीएल थ्री की संरचना, इधर आओ बना दो बेटा, इधर आओ जो बनाया था अभी पीसीएल थ्री का, आ जाओ यहां पर बना दो। हाँ अरे जो जवाब दिया था क्या हुआ, जूता मुझे उतार देते क्या, आ जाओ नंगे पर आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जा यार, चलो अच्छी बात है शर्ट इन किया हुआ है, अभी कैमरे में आओगे, पीसीएल थ्री का संरचना बनाओ, साफ कह के, साफ कह के, लबड़ती हो क्या, बराबर पीसीएल थ्री का बहुत अच्छी। फास्फोरस के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, कितने, चलो बहुत अच्छे, ठीक। बहुत अच्छे, सबके इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से बना रहा है, फास्फोरसों में तीन ही बनाया क्या इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस बना दो तभी ना दिखेगा लोन पेयर कितने हैं, खाली छोड़ दो ऐसे। हाँ लोन पेयरवा भी बना दो पुरा खाली, एक क्लोरीन के लोन पेयर नहीं, फास्फोरस किसी से पूछे थे क्या, नहीं सर। हाँ ऐसे ही बना, हाँ तो लोन पेयर कैसे पता चला कि ऐसे गिन लिए थे, बना दिए क्या स्ट्रक्चर में, बना दिया करो, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है जाओ, घबराया घबराया ना करो यहाँ आकर के, बहुत अच्छे पीसीएल थ्री, ठीक। अब यहाँ पर कुछ चीजें और बताते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एक अपवाद, कई सारे हैं, अब यहाँ पर अपवादों की जो है सीरीज शुरू हो जाएगी, और अपवाद का मतलब ये नहीं होता कि चीजें गलत हैं, हर अपवाद में एक नया कंसेप्ट आता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, हर अपवाद में नया कंसेप्ट आता है, जैसे केमिस्ट्री के बारे में फेमस है, इसमें तो बोलते हैं कि सब लोग ऐसे होते हैं इसको छोड़ करके, सभी धातु में ठोस होती है मरकरी छोड़ करके, अरे तो उसके पीछे का कारण है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। तो एक बोल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, यही तो ब्यूटी है केमिस्ट्री की, कि हर चीज ऐसा ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक आध जरूर उसमें से थोड़े से अलग रहते हैं, ठीक। अभी जैसे हम लोग पढ़े ना, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, हो सकता है कि एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है, एल्यूमिनियम से छोटा हो, ये भी हो सकता है, तो उसके पीछे का कारण है वो हम लोग पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। तो यहां पर अगर हम कहें पीसीएल फाइव का स्ट्रक्चर बनाइए, PCL 5 का, PCL 3 बना हुआ है तो PCL 5 बनाने में किसी को समस्या नहीं होगी, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे PCL 5 में, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा, आराम से बैठो, आराम से कविता ढंग से बैठो बेटा, ठीक। अगर हाँ कितने बॉन्ड पेयर होंगे, पांच बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने, जीरो, जीरो लोन पेयर और पांच बॉन्ड पेयर, ठीक। देखते हैं फास्फोरस पांच इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पांच, क्लोरीन, क्लोरीन के पास सात होते हैं, ठीक। ये क्लोरीन एक दो तीन चार पांच छह सात, ये क्लोरीन एक दो तीन चार पांच छह सात, और ये क्लोरीन एक दो तीन चार पांच छह सात, पीछे वाला का आसानी दिखाई दे रहा कि नहीं, अरे तुम हमको नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हो, हाँ हाँ। अब देखिए यहां पर क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का स्टेट पूरा हो गया, सात इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया क्लोरीन के पास आठ, सात थे एक मिल गया आठ, सात थे सात थे एक मिल गया आठ, सबका स्टेट पूरा, ठीक। फास्फोरस जब बॉन्ड बनाया है तो कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, PCl5 पांच बॉन्ड पेयर, मतलब फास्फोरस के चारों तरफ, चारों तरफ या पांचों तरफ कह सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रहेंगे, या पांच अगर बॉन्ड बनाया है तो इसका अष्टक को छोड़ो, इसके तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दस, हमें चाहिए कितने, आठ, तो ये अष्टक के नियम को वायलेट कर रहा है कि नहीं,
अरे भाई, हम स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, यहाँ कितने हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं कि नहीं। तो हमें एक्स्ट्रा और कम दोनों नहीं करना है, हमें कितना रखना है, 8। तो एक चीज याद रखो, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ पर एक रूल आया, एक नियम आया, सज्जन रूल भी कहते हैं इसको, सज्जन रूल। सज्जन हिंदी वाला सज्जन है, अंग्रेजी वाले वैज्ञानिक थे, सज्जन रूल। या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं सिंगलेट लिंकेज रूल। सिंगलेट, सिंगलेट किस वर्ड से आया, सिंगल से आया है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और बाकी जो 2 अलग से आए हैं, ध्यान से सुनना, जो बाकी 2 आए हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की बस साझेदारी हुई है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, सिर्फ फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक, और उसको ऐसे दिखाते हैं एक हाफ एरो से, कैसे दिखाते हैं, हाफ एरो, ऐसे तीर होता है ना, हाफ तीर ऐसे बना करके, सिंगलेट लिंकेज। इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 2 2, 6 ये, 7 8, फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। इस सिंगलेट लिंकेज का मतलब है कि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन की सहभागिता नहीं दे रहा है, फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन बस पार्टिसिपेट करा रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें बॉन्ड पेयर तो हो गए 5, कितने प्योर बॉन्ड है, 3, कितने सिंगलेट लिंकेज है, 2। यही कारण है, ये इस चीज को भी प्रूफ करता है कि जब हम PCl5 को गर्म करते हैं, जब हम PCl5 को गर्म करते हैं तो PCl5 हमारा PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। तो ये वही 2 क्लोरीन है जो सिंगलेट लिंकेज, मतलब वीक बॉन्ड होता है, थोड़ा कमजोर होता है, वो टूट जाता है बहुत आसानी से, वो क्लोरीन बाहर भी निकल जाता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये इस चीज को भी सिंगलेट लिंकेज का कंसेप्ट हमारा प्रूफ कर, और ये एक थियरी है, ये एक थियरी है, कोई ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटली करके जो है दिखा गया, ये थियरी बनाई गई जो वेरीफाइड थी, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, SF6 और IF7 में, इसका बना करके दिखाओ, SF6 इसमें बताओ कितने सिंगलेट लिंकेज होंगी, IF7 हम सबका परमाणु क्रमांक या सबके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दे रहे हैं। ठीक, सबके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दे तो काम चल जाएगा, परमाणु क्रमांक बताएंगे तो बैठ के विन्यास करते रहोगे। सल्फर के अंतिम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के अंतिम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, कितने कितने, विजय यादव कितने, आयोडीन के अंतिम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के अंतिम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, अरे भाई दोनों एक ही फ्लोरीन है, हमें कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं अंतिम कोश में। सिंगलेट लिंकेज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्योर बॉन्ड का मतलब, देखो सारे के सारे बच्चे, कुछ को छोड़ दिया जाए, खाली 8-10 लगे हुए हैं स्ट्रक्चर बनाने में, बाकी मेरा मुंह देख रहे हैं, कितने सिंगलेट लिंकेज होंगे SF6 में, 3 सिंगलेट, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 प्योर बॉन्ड हो गया SF6 में, 2 प्योर बॉन्ड होगा और कितने सिंगलेट लिंकेज, 4, बहुत अच्छे, सही है, बना दो स्ट्रक्चर, आ जाओ बना दो यहां पर, सही है, जवाब सही है, बनाओगी, ठीक है, जान रहे हैं। तुम लोग देखो बेटा बाहर देखो, बेल लग गई है ना, बाहर देखो, घर परिवार वाले निकले होंगे ना बाहर, आ रहे सर, एक मिनट, किसका हो गया स्ट्रक्चर, बन गया, आ जाओ आनंद, आ जाओ यहां बनाओ, SF6 का बनाओ जल्दी, अरे बाबू 4 दिन की जिंदगी, 1 दिन आने में लगा दोगे, बनाओ स्ट्रक्चर, हल्ला ना करो, हाँ सर बुलाएं सर, नहीं नहीं बस छोड़ दिया, 2 मिनट और पढ़ाएंगे बस, आएंगे अच्छा भैया, रुकिए एक बच्चे के पास है, फिर आ रहे हैं सर, सभी उस कर्म सर को देगा भाई, लेते दुर्गे सर के पास है, लेते आओ,
ये SF6 है। कौन कौन सा माल फूक रहा है आज? कितना फ्लोरीन है गिनोगे जरा? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? घर से लाए हो? अब हम वीडियो को काटेंगे नहीं, ये होगा अपलोड। हाँ तो करो अच्छे से, ये होगा वीडियो अपलोड, पूरी दुनिया थू थू करेगी आनंद के ऊपर। सर कॉपी दिखाया, सर कॉपी देख के कर ले भाई, चल। हाँ ले आओ पहले कभी हमको दिखाओ। यहाँ क्या बुद्धिया कम काम करती है, भूल जाता है? दे दे उसको, एक दो। अबे स्मॉल लेटर में नहीं बनाया जाता है, यहाँ तो कैपिटल लिखे हो, इसमें स्मॉल में कौन से परमाणु का जो सिंबल होता है स्मॉल लेटर में रखते हैं? कितने सिंगलेट लिंकेज हैं इसमें? सिंगलेट तीन तीन होंगे, संभव है तीन सिंगलेट लिंकेज? अरे किसी को पता तो आके स्ट्रक्चर बना दे भाई, समय जा रहा है, बेल लग गई है। बनाओगे कोई ऐसा जिसको आप? हाँ आ जाओ, अब गलत नहीं होना चाहिए। ए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो बैठ जाओ, नेक्स्ट बना था तुम। आ बेटा बनाओ, आ बनाओ, बनाओ मुंह ना बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ स्ट्रक्चर SF6 का। सुनील यादव स्ट्रक्चर बना लोगे? तो बात तो कम से कम ना करो भाई, स्ट्रक्चर जो बना लेगा उसको छूट है, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकता है, क्योंकि बात तो अंदर से खूब आई रही होगी, रात भर मित्रों से मिले नहीं होंगे, हैं? 16-17 घंटा हो गया। चार बॉन्ड पेयर मिला के ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जी। बताई तो थी सही जवाब। ये होगा अपलोड, आनंद बाबू अब आया, अब इनको बता भी नहीं सकते हम सही जवाब, नहीं कहोगे कि काम में करिया भगा दिया ना, एलर्जी बता रहे हैं इनसे धीरे जवाब। जवाब तुम सही दी थी इसीलिए तुमको बुलाए। कितने सिंगलेट लिंकेज बताई थी? तो चार सिंगलेट लिंकेज बनाओ ना, चार बॉन्ड पेयर बनाई हो बेटा। अरे दुठे उसी में बढ़ा दी होती है, और वो चार और ये चार, 8 हो गए। अब IF7 का बना लोगी? IF7 का परमाणु क्रमांक नहीं, आई के आयोडीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैठ जाओ बता देना कैसे, बैठ जाओ कैसे बनता है, बैठ। देखो यहां पर आवाज नहीं क्लास, IF7 मान लो बनाना है, IF7 ठीक। हमको करना क्या है, आयोडीन है, आयोडीन के चारों तरफ कितने फ्लोरीन हैं? 7 हैं, 7 फ्लोरीन बना जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हम लोगों को, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ठीक। अब हम एक एक सिंगलेट लिंकेज बनाते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे कम होते जाएंगे कि अब बना दिए कितने हो गए, 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 हो गया काम के नहीं? 6 सिंगलेट लिंकेज और 1 प्योर बॉन्ड पेयर। बात समझ आ रही कि नहीं? आसान था कि नहीं? यही काम SF6 में भी कर लिए होते यार, 2 मिनट का काम था, 2 मिनट में लगा, 30-35 सेकंड का काम था खाली, लेकिन बैठ करके अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं,
बाबू यहाँ जन ध्यान दे लो है हर्ष बाबू, अरे थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो, मैं उधर नहीं थे तुम, थोड़ा ये काम आएगा बेटा ठीक है, नेटकल से बैठा देंगे उधर खिड़की में तो पूरा स्कूल देखना बैठ करके। अरे फिर वही चीज बकवास कर रहे हो, अरे मुंडिया नहीं ना टेढ़ा कर दिया है आदमी, देखिए टेढ़ा किया है, अरे आदमी इधर ऐसे करके देख सकता है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांच बॉन्ड पेयर है, सॉरी 5 सिंगलेट लिंकेज है और 1 प्योर बॉन्ड पेयर है, ठीक बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा हाँ 5 सुना दिया क्या तुम लोग को? ठीक अभी हो सकता है कि चौथे पीरियड में इसके आगे और कंटिन्यू करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज कंप्लीट कर लेंगे ठीक है।